मैं छुट्टी करके स्पेशल मोदी को सपोर्ट करने के लिए आता हूँ, काम से छुट्टी करके। अच्छा। पहले जाता था मैं सीपी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि सीपी में बंद हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ सिर्फ मोदी को सपोर्ट करने के लिए। बंदा ईमानदार है, नेक है, इस जैसा हमें एक नेता नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ठीक है, अब बात आती है, वो कहते हैं 500 500, अरे तुम 5000 भी तुम्हारे ठोकर पे 500 रुपये दे करके बुलाने का काम आरजेडी जिंदगी भर किया वहाँ। राजद की सरकार थी तो मैं उस समय बच्चा था, उस समय मेरी किडनैपिंग हो गई थी, मैं भूल नहीं सकता उस चीज़ को। हमारे पापा जो व्यापारी वर्ग से हैं, ऐसा हुआ करता था कि दुकान पर बंदे आते थे, सामान पैक कर दो भाई, तो किसके नाम से, नाम नहीं पता मेरा, बंदूक दिखा दिया करते थे। वो जमाना था लालू यादव का। प्रभाव इतना पड़ेगा मुझे पता है कि 40 की 40 सीट इस बार चाहे कुछ भी कर ले वो एनडीए के खाते में ही है। पूर्णिया में जो बोल रहे पूर्णिया पप्पू, कोई पप्पू काम नहीं आने वाला, पप्पू चले गए कि इस बार भी जो है मुख्यमंत्री बदला जाएगा, मुख्यमंत्री 2025 में बदला जाएगा, चिंता मत करिए। और उस समय भी इतना ज़्यादा एनडीए को सीट आएगा कि कहाँ जाके लालू यादव फेंकाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। देखिए कर्म का फल मिलता है, चारा घोटाला किया, गौ माता ने ऐसा फल दिया कि क्या हालत है, बेड पे पड़े हुए थे, अभी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ गई। ये गलत सोच है कि जो बीजेपी के कह रहा है कि 500 500 नोट पर बुलाई गई है जनता को, ये गलत सोच है आरजेडी वालों के। क्या लग रहा है कि वो भीड़ मतलब मोदी जी को देखने के लिए आई थी, मोदी जी के प्रशंसक है, मोदी जी के फैन है, क्या ये मोदी जी के फैन है और प्रशंसक है तब आए थे, नहीं तो हम क्यों जाएं, 500 हम नहीं मजदूरी करके नहीं कमा सकते हैं। जो ये 500 500 रुपए वाली बात बोलते हैं ना, राजद ऐसा ही करता है इसलिए ऐसा बोलता है, जागी रही भावना जैसी। जो भीड़ पैसे दे के बुलाई, किसने बुलाई इसका पता लगता है, भीड़ दोनों बुला लेते हैं लेकिन सीट मोदी जी को मिलती है, इससे पता लगता है पैसे दे के कौन बुला रहा था। तुम्हारे वाले पैसे दे के आए थे, वो पैसे लेके चले गए, वोट नहीं दी उनको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए चौथे चरण के मतदान के बाद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस बार किसकी सरकार और इस बार लोग किसको चुनना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार आएगी बाबा? देख राहुल गांधी की। अच्छा राहुल गांधी की कैसे आएगी? जैसे मौसम बदलता है तो उसी तरह सरकार भी बदलनी चाहिए। अच्छा मौसम के हिसाब से सरकार बदलेगी। हाँ। अच्छा एक बात बताइए दादी, क्या मौसम के हिसाब से सरकार बदलेगा तो मौसम तो सही हो जाता है फिर हम लोग सही हो जाए, तो सरकार भी सही हो जाए। हाँ? सरकार भी सही हो जाए, ये कह रही है कि मौसम के हिसाब से सरकार बदलना चाहिए। अब राहुल गांधी वाला कौन सा मौसम है पता नहीं, क्या बारिश में आएगा, केजरीवाल कौन से में आएगा, मोदी जी के लिए कौन सा मौसम चाहिए आपको? अच्छा बिहार का क्या, जब जो माहौल नजर आ रहा है अभी मोदी जी गए थे वहाँ? देखिए बिहार से हम हैं लेकिन माहौल से कोई चीज बदल नहीं सकती है। अच्छा वहाँ पे देखा आपने पीएम मोदी जी की रैली में किस तरीके से भीड़ थी? भीड़ से बोल तो रहे हैं, भीड़ से कोई चीज बदल नहीं सकती है। बिहार में इस बार किसकी सरकार नहीं हो पाएगी, किसकी सरकार आएगी बिहार में? ये आरजेडी की, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की सरकार क्यों आनी चाहिए, आगे आइएगा बताइएगा, पॉइंट बताइए क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए, अच्छे उनको मौका भी मिलना चाहिए बिहार के मौके पर, मौका शिक्षा अच्छा मिलना चाहिए। मौका मिला नहीं था अभी बीच में? नहीं मौका अभी नहीं मिला उसको, नीतीश कुमार ने अभी उसको मौका नहीं दिया था। नीतीश कुमार चाचा जब उनके साथ गठबंधन किए थे तब मौका मिला था ना, उप मुख्यमंत्री थे ना तेजस्वी जी। जी जी उन्होंने क्या किया, पॉइंट काम बताइए। यहाँ नीतीश कुमार जो है और 300 पार जो होंगी वो इंडिया सरकार ने इस बार 400 पार का जिक्र किया जा रहा है, क्या लग रहा है? नौकरी की वादा किया था किसने किया? यादव जी ने, जब उप मुख्यमंत्री थे जब उसने अच्छा करने लगा तो पलटू राम चाचा जी जो है, हाँ, जो नीतीश कुमार जी कहते हैं वो जो है ना इनके अच्छे हरकतों को देख के फिर इसने बीजेपी से गठबंधन करके और ऐसा करके, हाँ फिर पलट अच्छा अच्छा। आप आगे आइए भाई साहब, मैं आपसे बात करूंगी। अच्छा ये इधर आइए। राजद की सरकार थी तो मैं उस समय बच्चा था, उस समय मेरी किडनैपिंग हो गई थी, मैं भूल नहीं सकता उस चीज़ को। हाँ उस समय ऐसा था कि अगर हमारे पापा जो व्यापारी वर्ग से हैं, ऐसा हुआ करता था कि दुकान पर बंदे आते थे, सामान पैक कर दो भाई, तो किसके नाम से, नाम नहीं पता मेरा, बंदूक दिखा दिया करते थे। वो जमाना था लालू यादव का। अगर मैं आज भी अगर मैं राजनीति में रहता हूँ तो मैं कभी भी राजद को सपोर्ट नहीं करूंगा। अच्छा, सपोर्ट, चाहे वो 10 लाख। अच्छा आरजेडी के सपोर्ट ना करने का कारण क्या? आप एक युवा, अगर ये युवा एक सोच रहा है और आप बिहार के रहने वाले हैं। जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अभी वेस्ट बंगाल। अगर ये चीज सोच रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, आप ये चीज क्यों सोच? देखिए क्योंकि बात ऐसा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में, उस स्टेट को हम देख सकते हैं कि कितना आगे बढ़ रहा है, चाहे वो गुजरात है चाहे वो यूपी है।
और वहीं बिहार के पास भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ऐसे नहीं है कि रिसोर्सेज सिर्फ गुजरात के यूपी में तो है लेकिन रोजगार नहीं है ना बिहार, हाँ, बिहार में रोजगार नहीं है। हाँ, उसका कारण है क्योंकि बीच बीच में हमारे नीतीश कुमार जी पलट जाते हैं और भाई साहब लेन पे आ रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है। कर रहे थे कि मोदी जी को देख के जो लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला। अच्छा एक सवाल, रुकिए ना, सवाल करने दीजिए ना, अभी तक कोई प्रधानमंत्री बिहार का दौरा किए थे? जी हाँ, नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, जिस समय जवाहरलाल नेहरू थे उस समय वो आए थे और उत्साह देखने को मिला था बिहार में, मैं तो था नहीं तो कैसे मैं बता सकता हूँ। हाँ पर मोदी जी के समय अभी देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से एनडीए की सरकार काम कर रही है और वहाँ के जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, चाहे एनडीए के जितने भी लीडर्स हैं, उनमें जितना उत्साह है अभी वो कभी भी महागठबंधन के किसी भी नेता में देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके से लोग तैयारियों में लगे थे, क्या लग रहा है कि इस रोड शो से कोई प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव? प्रभाव इतना पड़ेगा, मुझे पता है कि 40 की 40 सीट इस बार चाहे कुछ भी कर ले वो एनडीए के खाते में ही है। जो पूर्णिया में जो बोल्ड है, पूर्णिया पप्पू, कोई पप्पू काम नहीं आने वाला, पप्पू चले गए, कहाँ चले गए, पप्पू भी घर में ही रहेंगे। वो जितना दिखा रहे थे ना, रोने लग गए, मुझे है ना ऐसे कर दिया इन लोगों ने, मेरी पार्टी खत्म कर दी, तो आपने विलय क्यों किया अपनी पार्टी को? मैं ये पूछता हूँ, आप में अगर इतना पावर था तो आप क्यों जाके कांग्रेस में जाकर मिले? आप खुद निर्दलीय खड़े होते, आपको कहीं ना कहीं चाह थी कि मुझे जो है कांग्रेस से सीट मिले, इस कारण आप जाकर कांग्रेस में मिले। कांग्रेस से नहीं मिली सीट, आप निर्दलीय खड़े हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। सबसे मेरा आखिरी सवाल है कि लोकसभा चुनाव में लास्ट में 4 जून को क्या देखने को मिलेगा, जनता क्या चाहे? 4 जून को 400 पार तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि बिहार में कहां से लोकसभा चुनाव है ना भाई साहब, पता नहीं है क्या आप लोगों को? भैया आप लोग को ये कॉन्सेप्ट गलत है कि इस बार भी जो है मुख्यमंत्री बदला जाएगा, मुख्यमंत्री 2025 में बदला जाएगा, चिंता मत करिए। और उस समय भी इतना ज्यादा एनडीए को सीट आएगा कि कहाँ जाके लालू यादव फेंकाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। लालू यादव कहाँ फेंकाएंगे? लालू यादव वहाँ फेंकाएंगे जहाँ जेल में थे ना, वापस वहीं जाने वाले, चिंता मत करिए। जितना देखिए कर्म का फल मिलता है, चारा घोटाला किया, गौ माता ने ऐसा फल दिया कि क्या हालत है, बेड पे पड़े हुए थे, अभी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ गई, और क्या चाहिए? बीजेपी है अभी दरभंगा जिला में, आप मोदी जी गए थे वहाँ, अपने भाषण दे रहे थे, जितने भी जनता थे, जितने भी विकास थे, सब वापस आ रहे हैं, वहाँ के जितने भी पत्रकार थे जो गए थे उससे पूछे। बीते दिन जो हाल फिलहाल की मैं एक दिन पहले की बात बता रही हूँ ना, अभी मोदी जी के लिए आपने देखा किस तरीके से हुई थी, उसमें लोग देखा होगा कि मोदी का क्या वर्चस्व है। ये लोग भी कहने के लिए सही कहते रहेंगे, मोदी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, मोदी ही आएगा, मोदी सब बोलते हैं, मोदी अगर मोदी जी अपनी खुद की अगर वो खुद का अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हूँ, वो सबसे पहले बोलते हैं मैं नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक हूँ। कहाँ था आज तक कोई भी ऐसा कोई कांग्रेस का हुआ है क्या लीडर जिसने बोला मैं प्रधान सेवक हूँ? कोई भी ऐसा आज तक प्रधानमंत्री बना है कि जिसने है ना आम आदमी के आम जनता के बीच गए? बिहार में जो भीड़ देखने को मिली, अभी कुछ लोग से ही मैं बात कर रही थी, वो कह रहे कि 500 पे बुलाई गई भीड़ है। ये गलत सोच है कि जो बीजेपी के कह रहा है कि 500 नोट पर बुलाई गई है जनता को, ये गलत सोच है आरजेडी वालों के। क्या लग रहा है कि वो भीड़ मतलब मोदी जी को देखने के लिए आई थी, मोदी जी के प्रशंसक है, मोदी जी के फैन है क्या? ये मोदी जी के फैन है और प्रशंसक है तब आए थे, नहीं तो हम क्यों जाएं? 500 हम नहीं मजदूरी करके नहीं कमा सकते हैं। आप भी गए थे क्या? हम बिहार से ही खुद। अच्छा बिहार से है। हाँ। तो बिहार की राजनीति को लेके कुछ कहेंगे? अभी चुनावी माहौल चल रहा है, लगातार चारों तरफ तैयारियां, रोड शो, प्रचार में लोग लगे हुए। बिहार रोड प्रचार सब हुआ है, 400 सीट। हाँ। इंडिया गठबंधन में। बोल जाओ। ये कह रहे 400 सीट इंडिया गठबंधन। जी हाँ, मैं बताया था आपको जो ये 500 रुपए वाली बात बोलते हैं ना, राजद ऐसा ही करता है इसलिए ऐसा बोलता है, जागी रही भावना जैसी। जो वो सारी पार्टियां करती है भीड़ दिखाने के लिए, वो खाली यही थोड़ा ना कर रहे होंगे। सारी पार्टी केजरीवाल के लोग नहीं आते 300-350 रुपए में? केजरीवाल की रैली में कौन से सारे आम प्योरी की प्योर जनता रखी होती है? जी की रैली में इतनी भीड़ दिखी तो ये लोग कह रहे 500 में बुलाया गया है, और पार्टियों में अगर इतनी भीड़ दिखती तब ये चीज बोली जाती। जब है ना लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जाते हैं तो उनके साथ मुकेश सहनी जी भी जाते हैं, तो अक्सर मुकेश सहनी जी को बोलने को मिलता है
अरे देखिए आज इतनी भीड़ है, तो आपकी भीड़ सारी जो है वो खुद से बुलाने पे आई है। अब मोदी जी जो प्रधान सेवक है इस पूरे देश के, उन वो जो है 500 रुपये देकर बुलाएंगे। वाह जी वाह। देखो भीड़ पैसे देके बुलाई, किसने बुलाई इसका पता लगता है, भीड़ दोनों बुला लेते हैं लेकिन सीट मोदी जी को मिलती है, इससे पता लगता है पैसे देके कौन बुला रहा था। तुम्हारे वाले पैसे देके आए थे, वो पैसे लेके चले गए, वोट नहीं दी उनको, यानी कि उनके सच में प्रशंसक है। हाँ, उनमें से मैक्सिमम होते हैं, ज्यादा चांस बोलना चाह रहे। मैं छुट्टी करके स्पेशल मोदी को सपोर्ट करने के लिए आता हूँ, काम से छुट्टी करके। अच्छा। पहले जाता था मैं सीपी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि सीपी में बंद हो गया, अब मैं यहाँ पर आता हूँ सिर्फ मोदी को सपोर्ट करने के लिए। बंदा ईमानदार है, नेक है, इस जैसा हमें एक नेता नहीं मिल सकता, ठीक है। अब बात आती है, वो कहते हैं 500, अरे तुम 5000 भी तुम्हारे ठोकर पे, वो कहते ना 500, मैं कह रहा हूँ तुम 5000 देके देख लो, वो ठोकर पे। और तुम भी बताओ, इसे बढ़कर क्या बात है। अभी कुछ लोग से पूछ रही थी मैं कि वहाँ पे इतनी भीड़ देखने को मिली, तो लोग कह रहे हैं कि 500 देके बुलाए। मैं क्या कह रहा हूँ, 500 अरे 500 रुपये दे करके बुलाने का काम आरजेडी जिंदगी भर किया वहाँ, और 90 के दशक में उनका देन है लालू जी के, जो आज संपूर्ण बिहार भाग करके देश के हर एक कोना में जाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। वो 90 के दशक में जंगल राज था, जिसका भुक्त भोगी एक वर्ग नहीं है, सभी वर्ग के लोग हैं जो आज बिहार में जो आज जो लोगों के अंदर उत्साह और वर्चस्व देखने को मिला, वो कैसा लगा देख के? ये देखा है मोदी जी के काम को, मोदी जी के सपने को, मोदी जी सपने दिखाए हैं देश को, उसको देख करके जनता के उनके प्रति अपार समर्थन था। जो पटना में आपको भीड़ देखने को मिली, कैसा दिल खुश हुआ? मैं देखा नहीं, लेकिन पटना में किसकी भीड़ जी ने अभी रोड से, वो तो इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है, वो जहाँ जाएंगे क्योंकि एक ईमानदार नेता है, अच्छे नेता है, हमें भारत की राजनीति में सबसे पहले के इतने अच्छे नेता, शक्तिशाली नेता और ईमानदार नेता, ये भारत के ऐसे पहले नेता हैं नरेंद्र मोदी साहब, जो क्या नाम है, कभी नहीं मिले।